नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर और आज हम बात करने वाले हैं हिमा दास और उनके साथ जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी के बारे में। हिमा दास ने जैसे ही वर्ल्ड टूर्नामेंट में अपनी जीत दर्ज कराई और गोल्ड मेडल लिया, वैसे ही हिमा दास का डंका पूरे भारत में बोलने लगा। रात के करीबन 1:30 बज रहे थे जब हिमा दास अपनी रेस भाग रही थी फिनलैंड में और उस वक्त पूरा भारत सो रहा था। पूरे भारत इस बात से अनभिज्ञ कि एक लड़की भारत के लिए भाग रही है फिनलैंड में। जैसे ही भारत सुबह उठता है, उनको पता चलता है कि हिमा दास ने एक इतिहास रच दिया है और भारत के लिए पहला गोल्ड जीत लिया है किसी भी ट्रैक इवेंट में, एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। ये पहला ऐसा मौका था कि इतने बड़े टूर्नामेंट में भारत की किसी महिला ने, भारत के किसी व्यक्ति ने कोई गोल्ड मेडल जीता हो या कोई भी प्रकार का मेडल जीता हो किसी ट्रैक इवेंट में। और इसके बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। एक कंट्रोवर्सी ये शुरू हो गई कि भारत के जो लोग हैं वो हिमा दास से ज़्यादा हिमा दास की कास्ट में इंटरेस्टेड हैं। हिमा दास किस कास्ट की हैं, लोग ये सर्च कर रहे हैं गूगल पर। और ऐसा शुरू होता है 14 तारीख को। 13 तारीख को उनकी रेस थी, 13 तारीख की रात को उनकी रेस थी, रात को लोग सो रहे थे, 14 तारीख को लोगों ने सर्च शुरू कर दिया और 14 तारीख को ही इस प्रकार की एक कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने आर्टिकल लिखे, अन्य बड़े बड़े न्यूज़ वेबसाइट्स ने अपने आर्टिकल्स लिखे और उसमें ये लिखा गया कि लोग भारत के जो हैं वो हिमा दास से ज़्यादा हिमा दास की कास्ट में इंटरेस्टेड है। हिमा दास को सर्च तो किया जा रहा है लेकिन उनकी कास्ट को ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। इस प्रकार के आर्टिकल्स बहुत सारी वेबसाइट्स ने छाप डाले और एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो शायद होनी ही नहीं चाहिए थी वो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अब हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी होनी ही नहीं चाहिए थी, रादर किसी भी आदमी ने हिमा दास की कास्ट को सर्च ही नहीं किया था। तो ये स्क्रीनशॉट है 13 तारीख का और इस स्क्रीनशॉट को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप क्या करें, आप जाइए google.com/trends। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस वेबसाइट का एड्रेस। इस वेबसाइट पर आप जाइए और इस वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड सर्च किया जा रहा है, कौन सा कीवर्ड सर्च नहीं किया जा रहा है। हम पूरा मुद्दा आपको विस्तार से बताएंगे कि ये पूरी कंट्रोवर्सी किस तरीके से शुरू हुई, पूरी चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे। लेकिन हम आपको पहले दिखा देते हैं वो स्क्रीनशॉट जो कि आप google.com/trends के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड्स कितना सर्च किया गया। 13 तारीख की रात को भारत की हिमा दास ने एक इतिहास रचा और उसके बाद हिमा दास की जो सर्च है वो शुरू हो गई। आप देख सकते हैं 13 तारीख से पहले हिमा दास के बारे में किसी ने कभी कोई सर्च नहीं किया था, 13 तारीख को इनकी सर्च होनी शुरू हुई और जो सर्च है वो बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसका ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा था। और दूसरी तरफ हमने आपको इसी स्क्रीनशॉट में दिखा रखा है कि जो हिमा दास कास्ट नाम का जो कीवर्ड है उसकी सर्च अभी भी जीरो है। फिर उसके बाद ये 14 तारीख पर आ जाती है बात। 14 तारीख को ये सर्च बढ़ती जाती है जैसे ही लोगों को पता चलता है कि हिमा दास ने इतिहास रचा है। उसके बाद 14 तारीख को जब लोग उठते हैं तो ये सर्च आसमान को छू जाती है, ये सर्च काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और धीरे धीरे ये सर्च बढ़ती रहती है पूरे दिन। फिर उसके बाद और दूसरी तरफ हमने आपको दिखा रखा है लाल रंग में जो है वो है हिमा दास कास्ट नाम का कीवर्ड जो कि अभी तक भी नहीं बढ़ा है। वो पहली बार पहला सर्च होता है रात के 8:30 बजे। पहला सर्च जो हिमा दास कास्ट नाम से होता है वो होता है रात के 8:30 बजे। और उससे पहले ह्यूमेंस ऑफ हिंदुत्व नाम का एक पेज जो कि फेसबुक पर है, वो फेसबुक पेज ये दिखा देता है कि भारत के लोग हिमा दास की कास्ट को सर्च कर रहे हैं। ह्यूमेंस ऑफ हिंदुत्व नाम के इस पेज के बारे में हम आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। ह्यूमेंस ऑफ हिंदुत्व पेज कांग्रेस के लिए काम करता है, कांग्रेस की ही गुणगान करता रहता है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी को फेंकू के अलावा और कुछ नहीं बोला जाता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बारे में अभद्र से अभद्र मीम्स बनाए जाते हैं, अभद्र से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है।
और इनकी डीपी आप देख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि इनकी क्या मानसिकता होगी और किस तरीके से इन्होंने ये डीपी लगा रखी है। ह्यूमंस ऑफ हिंदुत्व नाम के इस पेज ने 5:42 पर ये स्क्रीनशॉट लगाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि गूगल सर्च में जब वो हीमा दास सर्च कर रहे थे तो पहली रिकमेंडेशन थी वो थी हीमा दास कास्ट, और इसी के बेसिस पे इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि मैक्सिमम भारतीय हीमा दास से ज़्यादा हीमा दास की कास्ट को सर्च कर रहे हैं। गूगल रिकमेंडेशंस के बेसिस पे इन्होंने ये सबूत दे दिया कि भारतीय लोग हीमा दास की कास्ट को सर्च कर रहे हैं, और 5:42 पर इन्होंने ये पोस्ट किया था अपने पेज पर। जबकि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया है कि रात को 8:30 14 को पहली बार हीमा दास कास्ट नाम का कोई कीवर्ड गूगल पर डाला गया था, और उससे पहले एक भी सर्च नहीं हुआ था इस नाम से, इस कीवर्ड से, जो कि आप स्क्रीनशॉट में दूसरी तरफ देख सकते हैं। और हो सकता है ह्यूमंस ऑफ हिंदुत्व के इस पोस्ट के बाद पहली बार किसी ने सर्च किया हो, कोई ऐसा ही व्यक्ति हो जो ह्यूमन ऑफ हिंदुत्व का फॉलोअर हो, और वो फॉलोअर जाकर गूगल पे सर्च करता है हीमा दास कास्ट को, जो कि पहली बार सर्च हुआ हो। और उसके बाद ह्यूमन ऑफ हिंदुत्व के इस दावे के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया एक आर्टिकल छाप देता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के बाद अन्य न्यूज़ वेबसाइट्स इस आर्टिकल को छाप देती हैं और एक कॉन्ट्रोवर्सी बन जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी वही गूगल रिकमेंडेशन को ही अपने आर्टिकल में छापता है, वो इस तरीके के प्रूफ्स को नहीं दिखाता जो आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। google.com/trends पर आप जाइए और कोई भी कीवर्ड जो आप जानना चाहते हैं कि इस कीवर्ड को कितना सर्च किया गया है, कौन से दिन सर्च किया गया है, वो पूरा आप जाकर देख सकते हैं। और आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं कि हीमा दास कास्ट नाम का जो कीवर्ड है वो कितना सर्च किया गया है और कौन से दिन सर्च किया गया है। हमने पूरा कंपैरिजन आपके सामने स्क्रीनशॉट पर दिखाया गया है, और हम आपसे उम्मीद ये भी करेंगे कि आप खुद भी जाकर इस वेबसाइट पर खुद जाकर इसको वेरीफाई करेंगे। तो ह्यूमंस ऑफ हिंदुत्व के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस आर्टिकल को छापा, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को छापने के बाद हफ पोस्ट ने इस आर्टिकल को छापा, और इसी तरीके से एबीपी न्यूज़, एनडीटीवी, आज तक हर वेबसाइट ने इस आर्टिकल को छाप दिया बिना जांचे, बिना परखे कि असल में मुद्दा क्या है, क्या असल में गूगल ट्रेंड्स पर ये कीवर्ड बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। केवल रिकमेंडेशन के बेसिस पे, गूगल रिकमेंडेशन के बेसिस पे इस पूरी कंट्रोवर्सी को बना दिया गया। अब हम आपको बताते हैं कि गूगल रिकमेंडेशन किस हिसाब से देता है। गूगल की जो रिकमेंडेशन होती हैं वो होती हैं कि आपने पहले किसी चीज़ को सर्च किया और उसके बाद आप दूसरी किसी चीज़ को सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड वो रिकमेंडेशन आपको दे देता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप किसी कैमरे को या शूज़ को या किसी फैन को, एसी को सर्च करते हैं, उसके बाद कई दिनों तक आपको उसी एसी के बारे में या उसी फ़ैन के बारे में या उसी शूज़ के बारे में या उस वेबसाइट के बारे में गूगल रेकमेंड करता रहता है। आपने अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च किया तो गूगल काफ़ी दिनों तक आपको उस प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन देता रहता है। तो इसी तरीके से होता है। मैं अब दूसरा आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, इसमें मैंने अंजलि डाला और अंजलि डालते ही मेरे सामने एक ऑप्शन आ गया अंजलि कास्ट, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले हीमा दास कास्ट नाम से कीवर्ड को सर्च किया था, इसीलिए मेरे पास इसीलिए ये रिकमेंडेशन आ गया अंजलि राउत कास्ट। ऐसे ही मैंने रोहित वेमुला डाला, रोहित वेमुला डालते ही आ गया रोहित वेमुला कास्ट। तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये गूगल रिकमेंडेशन काम करता है। इस चीज़ को आप खुद देख सकते हैं, खुद सोच सकते हैं, खुद परख सकते हैं और उसके बाद अपना निर्णय ले सकते हैं। लेकिन एक ऐसा मुद्दा बना दिया गया जो कि बिल्कुल बेबुनियाद था, जिसके ऊपर कोई भी मुद्दा नहीं बनना चाहिए था, उस चीज़ के ऊपर एक पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी जाती है एक फेक पेज के ऊपर। एक फेक पेज ह्यूमंस ऑफ हिंदुत्व नाम का जो कांग्रेस का माउथपीस है उसके ऊपर आप भरोसा करके
बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स उस पर आर्टिकल लिखते हैं, जिसकी वजह से पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। तो हमने पूरे इस मुद्दे को एक्सपोज किया है आपके सामने, और हम उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इस पर लाइक करेंगे, अपने कमेंट्स में लिखकर हमें बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है, साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे हमारे फेसबुक पेज पर और ट्विटर हैंडल पर।